योगी जी माफ करो, हम चोरी डकैती नहीं करने के, बदमाशी नहीं करने के, ठेले पे फल बेच लेंगे, लेकिन बदमाशी नहीं करने के। बदमाश क्यों झुका? योगी के सामने झुका। गठबंधन से पूरा गांव, पहले लोक दल पता, गठबंधन से सारा टूट गया। सब भाजपा भाजपा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? योगी ने अच्छा काम करा है, कोई बदमाशी करके देखो लंगड़ा हो जाएगा। कल अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरा है और हम सहारनपुर के पास में एक गाँव में आए हैं और गाँव वालों से जानते हैं कि आखिरकार जो कल मुख्यमंत्री का दौरा है या गृह मंत्री का दौरा है, उससे लोग कितने उत्साहित हैं और क्या समझते हैं। मेरी सोच तो यह है कि गृह मंत्री जी आ रहे हैं और जो हमारा देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी और श्री अमित शाह जी, ये पूर्ण किसान भाइयों के लिए भी और भाई जो समाजवाद है अपने बीजेपी की सरकार के, उनके समर्थन में भी हम पूर्ण रूप से उनका सहयोग करेंगे और हमारे किसान भाई जो यहाँ मौजूद हैं उनका भी हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और ये कहेंगे आने वाली सरकार जो हो बीजेपी ही सरकार हो, बाकी सब बेकदर। लेकिन आपके बराबर में यहाँ मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत जैसे आंदोलन में बैठे हैं, तो क्या लगता है कि कितने किसान प्रभावित हैं उनका आंदोलन से? आज ये आंदोलन तो जब से चला ही आ रहा बाघा बॉर्डर पे, वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने अपना लगा रखे हैं टेंट, हाँ जहाँ भी इन्होंने अपने बॉर्डर पे जो कर रहा है प्रोग्राम चल रहे हैं वे सब फैल हो जाएंगे। आने वाला समय यह कि भाई बीजेपी ही एकमात्र उपाय है। हाँ जी, जो किसानों का मुद्दा था वो पूरा करा, अब किसान भाई भी उनका साथ देंगे, पूर्ण रूप से देंगे, इसमें कोई संचय नहीं है। लेकिन कहानी जो है समर्थन की आ रही, जो समर्थन ऐसे नहीं हो पाने का जिस तरह से बीजेपी के साथ ये खड़े हैं सामने, उससे से लगता नहीं कि ये कर पाएंगे, क्योंकि 2014 में आपने देखा था कि कैसे इन्होंने अपना समर्थन दिया लेकिन वो समर्थन भी फेल हो गया था, गठबंधन टूट चुका था पूरे रूप से। और आने वाले समय में यही कहेंगे, बारंबार यही कामना है कि आएगी तो बीजेपी ही आएगी, अन्य कोई पार्टी नहीं आएगी सामने। और जयंत चौधरी ने जैसे गठबंधन कर लिया, तो क्या लगता है कि जाट बाहुल्य क्षेत्र में क्या हो सकता है? पिछली बार अजीत सिंह जी ने भी और बालियान जी हैं, संजीव बालियान जी हैं, और साथ में घोर सामने उनके थे, उन्होंने भी समर्थन किया था, तब क्या हुआ था बताओ? गठबंधन किया था ना, तब क्या हुआ था? भाजपा जीत गई थी, जब भी जीतती थी ना, कितने वोटों से? पूरी 303 वोटों से जीतते हैं, उनसे जीतती थी वो, अब की उससे भी ज्यादा होगी, 350 वोटों से जीतती थी ना समर्थन लेके अपनी, तो अब की उससे भी ज्यादा होगा। लेकिन जयंत चौधरी कह रहे हैं कि इस बार पश्चिम यूपी में भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। राजनीति मुद्दा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है जी, उस पर हम विचार नहीं कर सकते, लेकिन हम जिसका समर्थन करेंगे हम उसे ही सपोर्ट करेंगे, वोट फॉर बीजेपी ओनली। बीजेपी को क्यों देते हो आप वोट? बीजेपी को इसलिए देते हैं कि मोदी जी और योगी जी ने ही बताया कि यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू भी रहते हैं, और नहीं यहाँ कोई नहीं जाना था, सब राजनीति मुद्दा था, सब खिचड़ी पकाए बैठे रहते थे अपनी। धारा 370 और 35 ए और जी क्या नाम, जो भी किसानों के मुद्दे हैं वे भी सब जो आपके सामने जो आपने बताया वही चल रहा है, और जो आय जो बंदी है जी वो तो है ही है। योगी मोदी के आने से पहले हिंदू सोया हुआ था? बिल्कुल सोया था, जाग गया 2014 से। ये कहते कि हाँ हिंदू है, इसलिए समर्थन किसको मिल रहा है? बीजेपी को, क्योंकि ये गठबंधन जो है एक पक्षीय मामला रखते हैं और बीजेपी जो है अपने हिंदू के लिए कर रही है। भाई साधु संतों की हत्या हो रही मंदिरों में, आप देख लो मस्जिदों में 18,000 रुपया, 12,000 रुपया, एक मिनट जी, 12,000 रुपया सैलरी दे रहा है कौन? केजरीवाल, दिल्ली के अंदर दे रहा है ना, दे रहा है बिल्कुल। मंदिरों में जो मंदिर हमारे हैं ट्रस्टी हैं या वैसे में गांव के, गांव समाज के भी, तो उनको देख लो उन्हें क्या मिल रहा है। ब्राह्मणों की दुर्गति हो रही है नहीं, लेकिन जब से बीजेपी आई है ब्राह्मण भी खुश है, आनंद, बढ़िया दक्षिणा मिल रही, बढ़िया काम हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम नहीं है कि जब मान लो कोई हम काम कर रहे हैं किसी भी मुद्दे पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक पक्ष से मामला ना हो, दोनों ही पक्ष को देख करना चाहिए, ताकि अच्छा जी फिर दूसरा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ, मैं समर्थन किस लिए कर रहा हूँ बीजेपी का? इसलिए क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व को जगाया है, उन्होंने बताया कि हम हिंदू हैं। योगी जी बोलते हैं डिबेट पे भी बोलते हैं कि हाँ क्या, हाँ कोई नहीं जानता हिंदू, ये भगवा रंग देख के जानते कि हाँ हिंदू हैं, ये सब हैं हिंदू ही हैं, हिंदू परिवार से हैं। तो कारण यही है, अगर जब तक राजनीति में द्विपक्षीय मामला चलते रहेगा, राजनीति में ये गठबंधन टूटते रहेंगे। हाँ जी, अच्छा भाई क्या नाम है आपका? मेरा उज्जवल कादियान नाम है। उज्जवल कादियान नाम, तो क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार? 2022 में बीजेपी की सरकार आनी योगी जी की, हम योगी जी को वोट देंगे। योगी जी को वोट देंगे,
अच्छा ये बताइए, जैसे रालोद से अभी गठबंधन किया है, सपा से गठबंधन किया है रालोद ने, तो क्या लगता है कि जयंत चौधरी आपके क्षेत्र में कितने मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे भी सभी जाट बाहुल्य गांव है, तो कितना असर है यहाँ? असर की सुन लो जी, जो हमारे अजीत सिंह थे इन्होंने एक नारा दिया था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा इसमें सपा का गुंडा, आज इसका लड़का गठबंधन कर रहा है, ये मानो कि मेरे पापा से किसी की लड़ाई हो गई तो मैं जाके इससे हालचाल पूछ में इससे घर जाऊंगा, नहीं जाट मर जाएगा लेकिन कभी ऐसा ये काम नहीं करने का। और आज वही इसका लड़का इनसे घर जाके नाश्ता कर रहा है, हाथ मिला रहा है, ये सब मरने की बात है, डूब मरने की बात है। जाट पे एक नाम कलंक है, जयंत चौधरी। हाँ जी, आप कलंक मानते हैं? हाँ जी। और राकेश टिकैत के आंदोलन का कितना असर है भैया? कुछ नहीं है, सब सारे किसान है यहाँ जितने भी खड़े है सारे खुश है, मोदी ने बात मान ली, बिल वापस ले लिया, जब भी नहीं, अब तो यह है कि इसको बक्सा चढ़ा है, बक्सा मिल जाए तो घर आ जाए। बक्सा वो किस चीज का? पैसों का। तो क्या लगता है मतलब वो टिकैत फिर कब आएंगे? अभी टिकैत अभी नहीं आने के, जब लोग मुजफ्फरनगर कहेगा ना नु अब बस करो और इसको बक्से दे दो, जब आएंगे। जब आएंगे हाँ। कितना फर्क है टिकैत के आंदोलन का यहां? कुछ ही फर्क नहीं, सब बीजेपी के जो लोक दल के थे वे भी जब बीजेपी को वोट दे रहे हैं गठबंधन से, क्यों पता है सपा है, डीएवी कॉलेज में मुजफ्फरनगर मुसलमान के लड़के कलावा बांध बांध कर आते थे, हमारी लड़की हमारी बहन जाग रही थी इनको पटाते थे, और आज हमारी बहन छत्तीसगढ़ के चलती है, क्यों चलती है? योगी जी के राज में। और ये कलावा कब बांध देते हैं? सपा की सरकार में, सपा की सरकार में मुसलमान के लड़के डीएवी पे जा जाकर खुद शोषण करने के लिए नाम रख देते, कोई रामपाल रख देता, कोई अर्जुन रख देता, और आज देख लो क्या हाल है, रामपाल और अर्जुन घड़ी घर बन रहे, वो भारत लिखड़ रही नहीं। तो सागुमरी यूनिवर्सिटी मिलने वाली है कल आपके पास में, तो कैसा सोचते हैं युवा? बहुत अच्छी है, योगी जी ने सारे धर्म जो मुल्लाओं ने कब्जा रखे थे सारे आए हैं, और बहुत अच्छा मुजफ्फरनगर में भी कार्यालय चल रहा है, और सहारनपुर में भी बहुत अच्छा साकुमरी के नाम से माता के नाम से वो खुल रहा है, और जो अवैध कब्जा है हमारे यहाँ सुक्करताल पड़ता है बिहारीगढ़, वहाँ सन 2016 में लोक दल का कोई भी हो सब वहाँ प्रचार कर रहे थे, आज क्या है आज वहाँ आश्रम बन गया, क्यों बन गया? योगी जी के राज में, अन्य वहाँ सब ब्लैक धंधे होते थे, सारे मुसलमान पाकिस्तान के आते थे वहीं मत्थर टेकते थे, आज योगी जी ने ऐसा काम कर दिया कि वहाँ खुशाल पीर पर चंद्रमोहन जी का आश्रम खुलवा दिया, क्यों खुलवा दिया? कि हिंदू प्रसिद्ध, एक हिंदू का प्रचार होना वहाँ, क्यों जगह अवैध थी, वो सरकारी जमीन थी, इस पर कब्जा था सारा, अवैध कब्जा था, ऐसी ऐसी ताक हन्ने थे हाँ, पता नहीं क्या क्या रातों रात क्या क्या लिख रहे, पता नहीं सारा बहुत वो था। राकेश टिकैत अभी ये कह रहे हैं कि खबरदार सरकार एमएसपी कानून बना दे, वरना जो है 26 जनवरी दूर नहीं है, ट्रैक्टर भी दिल्ली में ही है, किसान भी दिल्ली में। अरे कुछ नहीं होना, तो धमकी दे दू राकेश टिकैत को, कुछ हो रहा है सरकार है वो गांव को ना चला रही, पूरा भारत को चला रही है, पूरा भारत को चला रही वो, अब तो वो है कि जेब तारनी सरकार से, अब सारी बात मान ली जब भी वो कर रहा नाटक, अब इसको मौका नहीं मिल रहा, मैं कैसे उठू, अन्य मन तो कर रहा है इसका लेकिन उन्होंने पता मैं कैसे उठू, क्यों घर जम्मा तो मुजफ्फरनगर वाले कह देंगे इंगा पाकिस्तान पाकिस्तान उंगली देगा, इंगा पंजाबी उंगली देगे, नू कैसे जावा अब जा, वो अपनी जान बचा रहा, अब तो यह है कि योगी जी और मोदी जी जबरदस्ती उठाई इसको, बिट्टा हमारा कुछ ही करे, हम साथ है, किसान साथ है, भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ है। अच्छा आप ये बताइए, जो आप ये जयंत का और अखिलेश का गठबंधन है, आप अखिलेश से परे मतलब अखिलेश से परेशान होके तब वोट नहीं करने के, मतलब गठबंधन से परेशान है? हम तो अखिलेश से परेशान है, हमें जयंत से कोई गिलवा सिखवा नहीं, हमें अखिलेश से। ये कहानी जो है बार बार जो है गठबंधन करने का जो मसला चल रहा है ना, केवल सत्ता को हासिल करने के लिए हो रहा मामला, के किसी तरह आए सत्ता हासिल हो, क्यों जी? मतलब कि आप अगर जयंत चौधरी अकेले आते तो उन्हें वोट करते? हाँ जयंत तो होता है, हम अकेले इसको वोट देते हैं, लेकिन गठबंधन से पूरा गांव पहले लोक दल पर, अब गठबंधन से सारा टूट गया, सब भाजपा भाजपा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? योगी जी ने अच्छा काम करा है, कोई बदमस्ती करके देखो लंगड़ा हो जाएगा एक मिनट से पहले, सबसे बढ़िया काम ही होया, गुंडागर्दी खत्म करी इनने, पहले बदमाश बदमस्ती करने से सोच नहीं था कि क्या करना है, लेकिन अब क्या कर रहा, नु कहता हाथ जोड़ लो योगी जी माफ करो, हम चोरी डकैती नहीं करने के, बदमाशी नहीं करने के, ठेले पे फल बेच लेंगे, लेकिन बदमाशी नहीं करने के, बदमाश क्यों झुका? योगी के सामने झुका, सब पर सरकार में नहीं झुका, और ना उसमें मायावती बसपा में भी झुका, लेकिन कहाँ आके बीजेपी सरकार में, क्योंकि इन्होंने झुकाया
हिंदू तत्व को जगाया, इन्होंने झुकाया, और आगे हिंदू ना झुकेगा और नहीं झुका है। सबसे पहले बड़ी सुरक्षा बस, उसमें पक्षपात हुआ जो कवालकांड हुआ मुजफ्फरनगर जिले में। उसमें अखिलेश ने अपने आदमी तुरंत छुड़वा देते मुसलमानों को, मंजिल सैनी वो थी एसपी यहाँ सी, और सुरेंद्र कुमार डीएम थे, उनसे कहकर तुरंत उनके तबादले कराए गए। क्यों कराए गए? तो पक्षपात हुआ वो, झगड़ा हो ही नहीं था। जम हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ, बेटी थी हिंदुओं की, मुसलमान के लड़कों ने छेड़ी उसे, चलो मारपीट है, वो झगड़ा खत्म हो गया। लेकिन जो मुलजिम था वो पकड़ा गया, लेकिन अखिलेश ने उन्हें तुरंत छुड़वा दिया गया। और जो मंजिल सैनी थी एसपी यहाँ सी, और जो डीएम थे सुरेंद्र कुमार जी, उनका तबादला कर दिया तुरंत। क्यों कर दिया? तो उसमें पक्षपात नहीं और क्या है वो? और हमें तो सबसे बढ़िया सरकार बीजेपी की लगी, 5 साल हो लिए इनके, हम तो आराम से सो रहे हैं। आजम का हाथ था उसमें, जो उसके वजह छोड़े गए थे। हाँ, और जी यहाँ से हम देख रहे थे, यहाँ से दिन छिपने के 7 बजे तक बाद साथ ही हम पहरा लगाया, 5 साल तक पहरा लगाया हमने यहाँ से। अखिलेश की सरकार में पहरा लगा, गांव का कोई आदमी अगर कहता है वहाँ पहरा लगा, जो क्या वो सजा जिन हम तैयार है। अपने गाँव में पहरा लगाया हमने 5 साल अखिलेश की सरकार में। अब तो योगी जी की सरकार है, मौज आ रही, पांव फैला के सो रहे हम तो, हमारी बेटी लंबी लारी आराम से जा रही। तो हम तो बीजेपी को वोट सपोर्ट करेंगे, इसे वोट देंगे, वोट भी सपोर्ट बीजेपी, फुल सपोर्ट बीजेपी की है यहाँ से बीजेपी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मतलब भाजपा में ज्यादा गुंडा कर दी है। कह मैं गुंडा कर दी? बताओ बताओ, एक बताओ, जो गुंडा कर दी कैसे क्या हो? कल यहाँ से तो मैं कह दूंगा हाँ फलाना चोर है, ऐसा थोड़ी मान जाएगा, उसे दिखाते हैं। हाँ, ये गुंडागर्दी करके दिखा रखी आज की सरकार में, बड़े बड़े बदमाश सुने घुटने तोड़ दिए सरकार, क्या क्या घुटने टेक दिए कि सरकार हमें बंद कर लो, गुंडागर्दी नहीं करने के। वो अभी मुजफ्फरनगर का एक वो फोटो भी आया, फोटो भी आया था, तो क्यों आ रहा वो? मुकीम काला का, मुकीम काला था, वो बीजेपी सरकार की देन है। हाँ जी, तो आज आप खुद को स्वतंत्र और मतलब भैंसे मुक्त पाते? बिल्कुल भैंसे मुक्त पाते, स्वतंत्र है, हम खुशहाल है सरकार से। और महंगाई महंगाई जैसे कुछ नहीं है, ये चलता है, देखो देश चलेगा, देश चलेगा तो महंगाई भी आएगी जरूर। जनता बढ़ रही, जनता बढ़ रही तो क्या नहीं होगा? कोरोना लगा, सरकार ने कितनी बड़ी कितनी वैक्सीन लगवाई, कहाँ से आ रही हो यो, कहाँ से आ रही? सरकार के पास कोई खजाना तो है नहीं, खुदरा जमीन से अंदर टैक्स जाओगी तो सर महंगाई क्यों नहीं आनेगी? सड़कें एक से एक तो हाईवे बन गए हमारे यहाँ से। हम देख रहे थे यहाँ से रेलवे हमारा, इस सरकार में बाल्यान सिंह जी, बाल्यान जी ने डबल ट्रैक करवा दिया, और जी बिजली की लाइन आ गई, और सरकार में बिजली भरपूर मिल रही है, 18 घंटे सप्लाई मिल रही। आप अभी कह रहे थे कि मतलब गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन सपा वाले कहते हैं कि जब गुंडे सत्ता में बैठ गए तो गुंडागर्दी करेगा कौन? नहीं नहीं, गुंडे तो भाई इसके राज में थे, इस सपा के अखिलेश के राज में थे। आज हमसे बड़ा गुंडा तो कोई है नहीं यूपी में, सबसे जब तो जेल में पड़ा हो, थोड़े उन्हें बेमान ने कर रखे। क्या क्या करा था मंजिल सैनी, क्या वो तबादला कर दिया? वो तबादला करवा दिया रात तो रात उसका, मंजिल सैनी का सुरेंद्र वो थे, डीएम थे या एसएसपी थी। जब रात झगड़ा यहाँ होने था बिल्कुल, फिर अगर वो उन्होंने मुलजिम पकड़ लिए थे सही आदमियों को, जब वो लड़की छेड़छाड़ हुई लड़की के साथ और यहाँ झंझट बना, झंझट बनने के बाद में उन्होंने इंक्वायरी करके पुलिस सही नतीजे पहुँच गई थी, पुलिस ने मुजरिम पकड़ लिए थे। लेकिन रात को उनके रात को रत्तों रात उनका क्या करें, ट्रांसफर करा दिया गया दोनों का। उधर फोन आज ही उनका क्या करें, उनको इन्हें हटाओ यहाँ से और इन्हें छोड़ दो। आजम खा की भूमिका थी, आजम खा की मेन भूमिका थी और इसका साथ था अखिलेश का, इसके बिना तो कुछ नहीं था भाई, ये मुख्यमंत्री थे। लेकिन उस टाइम इतना गंदा कार्य करा गया वो बिल्कुल अखरा सब लोगों को और सब कुछ के दिमाग में नफरत भर दी उन्होंने हिंदुओं के। योगी के जो काम है, जैसे मतलब एक आवारा पशु की समस्या है, आपके यहाँ कितनी समस्या है? अरे कुछ नहीं यार, आवारा हम भी तो छोड़ दिया वो, हमने किसी गांव में छोड़ दिया छोड़ दिया, और गांव वाले हमारे गांव में तो छोड़ गए। जब हम कट्टे थे हम ही वीडियो देख देख का खून उबला था यार, बहुत गलत हो रहा वो हो रहा। आज वही दुखी है भाई, क्यों है ऐसा? जब मारे जब दुखी, जब छोटे जब दुखी, ये तो चलती रहती है, छोटी मोटी बातें हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने का इलेक्शन पे। अच्छा, आप युवा हैं और मतलब कि जाट या गुज्जर, मतलब ज्यादातर जो युवा हैं वो भर्ती मारते हैं, जो फौज की भर्ती होती है, मतलब इस सरकार पे ये आरोप भी लगता है भाजपा पे कि कोई भर्ती नहीं आई 5 साल के। अरे यार सबसे ज्यादा मेरे गाँव में मुजफ्फरनगर में इस सरकार में भर्ती हो यार, अन्य सारे पूर्ण राउंड चल के भर्ती हो जाते हैं, यहाँ तो नंबर भी नहीं होता सारा। हाँ जी, इस बार भर्ती हुए हैं? हुए हैं, कम से कम 10-12 लंबे भर्ती हुए गांव से। हाँ, अभी 5-6 और जाएंगे। पाँच छह और जाएंगे, सही। तो रोजगार के मामले में सही लगती है? अजी बहुत बढ़िया।
प्राइवेट में भी या सरकारी में रोजगार बहुत। ये तो यह है कि विपक्ष वाले कह रहे हैं विपक्ष को यही बांधने मिला नहीं, रोजगार नहीं, रोजगार नहीं, वह घर से बाहर तो निकलो जब तो रोजगार मिलेगा। घर से बाहर निकल रहे नहीं, वह मुंबई खबर सुन लो उनसे, टीवी पर देख ला भाई होगा मुंबई में, कह ली दूसरों को बता देंगे, पर बाहर निकलो जब तो पता लगेगा देश में क्या चल रहा क्या नहीं। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि सिलेंडर महंगा है। अरे कुछ नहीं नु बता, सुन दो यार तेरे में सिलेंडर के क्या थे 1200 रुपए रेट थे कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस सरकार में सन 2009 में 800 रुपए के थे। और आप देख लो 4 बजे पसर में, 937 पसर में 4 बजे में खुद गया, 10 बजे 11 बजे जा रहा खाली हाथ, क्या बस लाइन सिलेंडर खत्म हो गया, लाइन लग रही 5 किलोमीटर की सिलेंडर की लाइन में। हाँ और आज आज तो घर घर सुविधा, ऊपर तू कह ना तिमजलियों फेंका तो तिमजलियों फेंका सिलेंडर वाला, ऐसा वाला हो रहा घर देखे जा रहे तू, ऐसा हो रहा चाचा जी, ऐसा ही है जैसे भैया बता ऐसा ही है जी, सही बोल रहे हैं बिल्कुल। पहले सिलेंडर नहीं मिलता था ना, ना लाइन में मिला था, अब तो आराम से मिला, करो डिलीवरी हो रही है। क्योंकि के 5 साल बीतने जा रहे हैं, कैसा लगा आपको काम? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगे भी आएगा। कह रहे हैं कि बिजली महंगी है जी, सब कुछ देखा जाएगा, कोई बिजली महंगी नहीं है, 18 घंटे नहीं आ रही, मजा भी तो हम ही ले रहे हैं उसका, तो महंगी तो दिखाई देगी। पहले कितनी आती थी? पहले तो 6 घंटे आवे थी, अब 18 घंटे आ रही। सरिया ले लेगा पिट्टे थे आ गए। हाँ जी मुस्लिम वर्ग के, हाँ मुस्लिम वर्ग के लोग, इनने इतना इतने ऊपर उभार रखे थे पूरे इनने भाई ने, यह सच्चाई है अखिलेश। हाँ लेकिन इस बार तो कह रहे हैं कि सुरक्षा की पूरी गारंटी ले रहे हैं। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, बस सब कहना ही कहना, हवा में गांठ मार रहा भाई, वो सब समझे जनता, सब समझे। हाँ और सुन भाई, सबसे पहले सुरक्षा, सबसे पहले सुरक्षा, सुरक्षा अगर हम सुरक्षित है तो कमाओगे भी खाओगे भी सब काम होंगे। आपकी सुरक्षा की गारंटी तो आज मायावती जी भी ले रही है कि जाट और मुस्लिम को स्पेशल में दी जाएगी भाई। अब तो सब ले आएंगे, अब तो इलेक्शन आ रहा सब लेंगे, लेकिन जी जो हमने भुगत लिया और भोग लिया और देख लिया, उसका देखेगा क्या देखा, पहली बात है। दूसरी बात है जी, हम भुगत रहे भोग रहे देख रहे, जब हमें वो सही बिल्कुल ना हमें सही वो दिया सुरक्षा, सही सुरक्षा दी, बदमाशी नहीं होने दी, हम रात को 12 बजे किसी टाइम चले जाओ, 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक हाजी, पहले तो दिन छिपे घर से बाहर निकले थे, वहाँ बैठना पड़ता है गांव के छोर पे, बिल्कुल रस्तों पे बैठना पड़ता, घर भाई हम वहाँ 12 बजे घर में ना पड़ जाओ, कोई आ गए यहाँ बालकों ने छेद दा आ गए यहाँ।